बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियास किचन। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कढ़ाई आलू। कढ़ाई आलू जो है वो एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप लोग उसको नान के साथ भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ अगर चाहें तो और भी मज़ा आएगा। तो उसके लिए जिस इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत है उसके लिए हमें चाहिए क्यूब में कटे हुए तकरीबन 3 से 4 आलू। मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, उसको मैंने ऐसे क्यूब में कट करके डीप फ्राई कर लिया था, जैसे आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं और फुल जो है वो मतलब डीप फ्राई करते हैं, तो उसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको डीप फ्राई करना है क्यूब्स में कट करके। और मैं आपको क्वान्टिटी जब मैं स्टार्ट करूँगी रेसिपी तो बताऊँगी, लेकिन उसके लिए जो मैं इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। टमाटर है वो इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ में कट किए हुए हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं। अच्छा, टोमेटो प्यूरी जाएगी वो 1 से 1.5 टमाटर की तकरीबन टोमेटो प्यूरी जाएगी, या आप एक 2 छोटे मीडियम साइज़ के टोमेटो ले सकते हैं और उसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, और लास्ट में इसमें जाएगा पिसा हुआ गर्म मसाला, और शुरू में अदरक लहसुन और ज़ीरा साबुत जाएगा, और गार्निश के लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। फ्लेम ऑन कर लिया, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन जो है 1 कप के करीब, या आप अपने आलू की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितने आलू होंगे उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। मैं 1/2 कप के करीब जो है वो ऑयल ऐड किया है मैंने। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा तकरीबन मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। अगेन आपके आलू की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी आप उसी हिसाब से जो है अपने इंग्रेडिएंट्स को जो है वो बढ़ा लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 1.5 मीडियम साइज़ के टोमेटोस। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाऊंगी कि मेरे टमाटर जल ना जाए, इसको नॉर्मल रखना। ये देखिए इस तरीके से भून रहा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंड किया था, मैंने आपको शुरू में बताया। ऐड किया, हमें अपने टमाटरों को जो स्लाइस में कटे हुए थे उन्हें जो है वो इस तरह से सॉफ्ट करना है। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने इस तरह से स्लिट करके लंबी सी कट की है, ऐसे मैंने ऐड की। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट जो है मेरे टमाटर जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत। हल्का सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल हल्का सा कि ये लगे ना। ये देखें
इसमें मैंने पानी ऐड किया। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने आपके सामने इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की बनेगी। देखिए अब इसमें मैं अपने आलू जो मैंने डीप फ्राई किए थे क्यूब शेप में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी, और स्पाइसेस भी हमने इतने ज़बरदस्त से ऐड किए हैं। सॉल्ट भी ऐड कर लिया। इस स्टेज पे मैं ऐड करती हूँ इसमें हल्का सा गरम मसाला, यानी हाफ टी स्पून के करीब। इसको डाल के मैं मिक्स करूँगी। देखिए ऑयल मेरा ऊपर आ चुका है, आलू तकरीबन गल चुके थे डीप फ्राई में, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसकी ज़रा सी भी ये कच्चे ना हो, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी 4 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी और इसको दम पे रखेंगे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 4 टेबलस्पून के करीब पानी, हल्का सा दम देना है मुझे इसको। इसको मिक्स किया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिए। अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह से हो गए। ये देखें बिल्कुल टमाटर गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो ये इंडिकेशन है कि हमारे जो आलू कढ़ाई है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल रेसिपी है, मेरी खुद की इन्वेंटेड रेसिपी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको कैसी लगी। ये देखें कर देते हैं ऑफ सारा, मैं डिश आउट करती हूँ। इसको हम करते हैं साइड पे, और अब हम इसको करते हैं गार्निश हरा धनिया से, जो हमने बारीक कट करके रखा हुआ है, अदरक, हरी मिर्चें। थोड़ा सा लेमन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है डेली रेसिपीज़ अगर आपको कोई चाहिए तो आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही जल्द आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जाते जाते अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जियास किचन से। अल्लाह हाफिज़।